नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लाए हैं भरवा करेले की रेसिपी। भरवा करेला यदि आप इस तरह से बनाएंगे तो बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगते हैं और बड़े तो खाएंगे ही, बच्चे भी मांग मांग के खाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। यहाँ पर हमने आधा किलो करेला लिया है, यह हमारा देसी करेला है। तो इसको दो तीन पानी अच्छे से धो लें, क्योंकि इसके जो खांचे बने ना, इसमें धूल मिट्टी फंसी रहती है, तो अच्छे से धोना ज़रूरी है। तो धो के ले लिया, इसका ऊपर का डंठल काट दें, नीचे से फूल लगा रहा था वो भी काट दें, और इसको छीलने की सहायता से बहुत हल्के हाथ से ऊपर से छील रहे हैं, बहुत हल्के हाथ से छील रहे हैं, बहुत ज़्यादा मोटा छिलका नहीं निकालना है। तो देखिए इस तरह से छीलेंगे, तो हमने अपना सारा छील लिया है, छिलका को फेंकेंगे नहीं, हम छिलके का भी इस्तेमाल करेंगे। तो बस देखिए हमने यहाँ पे सारा करेला अपना छील के रख लिया है। अब इसको हम बीज से चीरा लगा के देखते हैं कि हमारे बीज कड़े तो नहीं हैं। देसी करेला जल्दी बीज कड़े हो जाते हैं, तो इसलिए चेक कर लीजिए, और अगर ख़राब वराब होगा अंदर से तो भी पता चल जाएगा। तो देखिए इसमें बीज है, तो बीज को हम निकाल लेते हैं अभी। तो आप चाहे स्पून की सहायता से निकाल लें, चाहे हाथ से निकाल लें, उंगली की सहायता से या चाकू से, जैसे भी आपको आसान लगता है। बीज को अगर कड़ा लगता है आपको तो निकाल लीजिए, और बीज को भी फेंकेंगे नहीं, बीज को भी साइड में रख लीजिए, इसका भी इस्तेमाल करेंगे हम आगे। तो देखिए इधर एक तरफ हमने बीज रख लिया, एक तरफ छिलका रख लिया है, अब इसको हम साइड में रखते हैं। तो करते हैं अगला काम। देखिए जो हमने करेला का बीज निकाल के रखा है, देखिए बढ़िया से, तो इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा नमक, और डालेंगे थोड़ा सा हल्दी, और रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। तो नमक और हल्दी अच्छे से चारों तरफ लगा दीजिए बढ़िया से। तो नमक हल्दी लगाने से क्या होगा कि जो करेले का कड़वाहट होता है वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो देखिए हमने बढ़िया से लगा लिया है, अब इसको ढक्कन लगा के रख देते हैं साइड में। तो चलिए तब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं 2 चम्मच धनिया, और 1 चम्मच सौंफ, आधा चम्मच जीरा, और 1/4 चम्मच हम लेंगे मेथी दाना। आप 2-3 नग काली मिर्च भी ले सकते हैं, और यहाँ पे हम 2 सूखी लाल मिर्च ले रहे हैं, और मिर्च को बीच में से तोड़ देंगे। इधर हमने रख लिया कढ़ाई, इसको हमको हल्का रोस्ट करना है इसकी नमी निकलने तक। फ्लेम अपना धीमा रखेंगे, नहीं तो मसाला जल जाएगा। तो धीमी आंच पे हमें मसाला को रोस्ट करना। देखिए हमारा मसाला भुन गया है, इसको हम निकाल लेते हैं प्लेट में। जब ठंडा हो जाएगा तो जार में डाल के हम बारीक पीस लेंगे। अब इसी कढ़ाई में हम डालें 2 ग्लास से थोड़ा ज़्यादा पानी। अब ये जो छेद वाली थाली है, हमारी थाली ऐसे ही टिक जाती कढ़ाई पर, तो हम ऐसे रख ले रहे हैं। अगर आपका ना टिके तो नीचे आप स्टैंड रख दें। तो बस इसमें रखते हैं हम करेले। तो 20 मिनट बाद देखिए हमारा करेला इस तरह का है। तो अब इसी थाली में रख के इसको ढक्कन लगा देंगे। गैस का फ्लेम हमने लो टू मीडियम रखा है। 2-3 मिनट बाद इसको फिर चेक करेंगे, देख लेते हैं। इसको थोड़ा सा पलट देंगे, तो आप एक एक करके थोड़ा थोड़ा पलट दीजिए, फिर 3-4 मिनट के लिए फिर ढक के पकाएंगे। तो 3-4 मिनट बाद फिर इसको हम देखेंगे। यदि आप कम तेल वाला भरवा करेला बनाना चाहते हैं तो ये तरीका बहुत अच्छा है। तो भी देखिए 3-4 मिनट बाद हम चेक करते हैं, हमारा करेला सॉफ्ट हो गया, देखिए कट रहा है, पक गया है। तो बस अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, करेला को रख देंगे ठंडा होने के लिए। इधर हमने 3 प्याज को लिया है, और 8-10 लहसुन की कलियां। प्याज को हमने छोटे टुकड़ों में काट लिया है, अब इसको जार में डाल के हमें पीसना है। तो जो हमने करेले का बीज निकाल के रखा है, अब ये बीज भी हम इसी साथ डाल लेते हैं, और इसको भी पीस लेंगे। फेंकेंगे कुछ भी नहीं, सभी यूज करने वाले हैं, और फिर भी करेला बहुत अच्छा बनेगा। देखिए हमने थोड़ा सा तेल डाला है, तो हमको ये मसाला हमने पीस लिया है, तो इस मसाले को हमें अच्छे से भूनना है। भूनने से मसाला का स्वाद भी बढ़ जाएगा, और पानी भी इसका सूख जाएगा प्याज का, और लहसुन का कच्चापन भी नहीं आएगा। तो देखिए मसाला धीमी आँच पर ही भूनिएगा, गैस का फ्लेम हमने धीमा रखा है। तो अब डाल लेते हैं इसमें मसाले। यहाँ पे हम 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल रहे हैं, और हमने जो मसाले पीस के रखे थे, जो भी भुना था, वो मसाले हमने दरदरा पीस लिया। तो अब यहाँ पे हम मसाले डाल लेते हैं। तो अब यहाँ पे डालेंगे हम
कलौजी जिसे मंगरेल भी बोलते हैं, तो मंगरेल को खड़ा ही डालेंगे इसलिए मसाला के साथ नहीं पीसा। तो एक चौथाई चम्मच यहाँ पे मंगरेल है और एक चम्मच भर के ये अमचूर पाउडर है। यदि आपके पास कच्चा आम है तो कच्चा आम भी आप डाल सकते हैं। और अब यहाँ पे डालें एक पिंच हींग, हींग ज़रूर डालिएगा। अब डाल देते हैं नमक स्वादानुसार और मसाले को अच्छे से भूनेंगे। गैस का फ्लेम हमने अभी भी धीमा ही रखा है और बढ़िया से मसाला भूनेंगे, तेल बाहर आने लगेगा तो समझिए आपका मसाला पक गया है। मसाला अच्छा से भुना रहा था, बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो देखिए जो छिलके हमने रखे थे, अब यहाँ पे छिलके हम डाल रहे हैं, हम फेंकेंगे कुछ भी नहीं। बीज को हम प्याज और लहसुन के साथ पीस लिए हैं और छिलके को हम मसाले के साथ भून लेते हैं, तो हमारा छिलका भी अच्छा से भुन जाएगा और कड़वा भी नहीं आएगा। तो देखिए हमारा मसाला बढ़िया से भुन गया है, हमने एक दो मिनट लिए इसको ढक दिया था ताकि हमारा छिलका भी अच्छा से पक जाए। तो देखिए हमारा मसाला कितना अच्छा से भुन गया है। तो अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं, मसाले को निकाल लेते हैं एक प्लेट में, पूरी तरह ठंडा हो जाएगा, फिर हम करेले में इसको भरेंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है? अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करिएगा, और हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है ये भी हमें कमेंट करके बताइएगा, और आप कब बना रहे हैं ये भी हमें बताइएगा, आप करेला कैसे बना। यहाँ हमारा मसाला देखिए पूरी तरह ठंडा हो गया है, जब पूरी तरह ठंडा हो जाएगा तब इसमें डालेंगे थोड़ा सा गुड़। तो यहाँ पे हमने करीब लिया है 2 चम्मच के हिसाब से होगा, हमने गुड़ लिया है, उसको गुड़ को हमने तोड़ लिया है, तोड़ के अच्छे से मसाले में मिक्स करेंगे, चम्मच से दबा दबा के मिक्स करेंगे तो बढ़िया से मिक्स हो जाएगा। तो हमारा करेले का देखिएगा स्वाद बहुत ही अच्छा लगेगा। आप गुड़ ना डालना चाहते थे, यहाँ पे आप चीनी भी डाल सकते हैं। तो बस इधर हमारे करेले भी ठंडे हो गए हैं अच्छे से, तो अब हम इसमें भर लेते हैं मसाले। देखिए इस तरह से, चाहे आप स्पून से भर लें चाहे आप हाथ से भर लें, भरते समय कोई दिक्कत नहीं होती है। तो देखिए इस तरह से हमने एक भर लिया है, अब दूसरा भर लेते हैं। तो देखिए हमने इसको भी भर लिया है, अब इसी तरह से हम अपना करेला पूरा भर लेंगे। मसाला तेल में लीक ना हो जाए तो इसके लिए धागा लगा देंगे। वैसे हमारा करेला तो पका हुआ है, केवल हमें थोड़ा थोड़ा इसको कुरकुरा करना है अच्छा से ऊपर से, फिर भी हम इसको डाल दे रहे हैं तो कम से कम मसाला निकलता है, नहीं तो पूरा मुँह खुला रहता है। तो अगर मसाले की तरफ पड़ जाता है तली पे तो थोड़ा सा लीक कर जाता है, जब धागा लगा देते हैं तो मसाला फिर निकलता नहीं है। तो इस तरह से बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। तो देखिए हमने इस तरह से लगा लिया, हमने सारे करेले में अपने लगा लिए हैं। तो चलते हैं फिर कढ़ाई की तरफ। देखिए यहाँ पे कढ़ाई में हमने कितना कम तेल रखा है। तो बस एक एक करके हम अपने करेला ऐसे जमा देंगे, अच्छे से लगा दीजिए उलट पलट के, थोड़ा गोल्डन सुनहरा होने तक इसे हमें पकाना है। और बहुत ही अच्छा करेला बनता है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, यकीन मानिए आपको बहुत ही पसंद आएगा यह तरीका, और आप हमेशा इस तरह से करेला बनाना पसंद करेंगे। तो देखिए हम बीच बीच में इसको उलट पलट दे रहे हैं, अब हमारा करेला बन के हो गया है तैयार सर्व करने के लिए। तो चलिए सर्व करते हैं। देखिए इस तरह से हम करेला एक एक करके रख लेंगे। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है? यदि आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि हमारा आने वाला वीडियो आपको पता चल सके। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है ये भी हमें कमेंट करके बताइएगा, और ज़रा सा भी अच्छा लगता है तो लाइक भी करिएगा। देखिए हमने निकाल लिया है प्लेट में, और देखने में करेला कितना अच्छा लग रहा है। आप इस तरह से करेला बनाएंगे तो ज़रूर सबको घर में पसंद आएगा। तो आपको हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ। जय हिंद दोस्तों।